अगर sure so की तो यह महिंद्रा थ्री हंड्रेड फोर्ड इको स्पोर्ट और टाटा नेक्सन जैसी गाड़ियों के साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो को एंड इफ वी टॉक अबाउट द इंजन तो यहाँ पर आपको वन पॉइंट फोर लीटर का बहुत ही पावरफुल इंजन मिल जाता है जो की वन जीरो थ्री बी एच पी की पावर जनरेट करता है टॉर्क प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिक yes, well दोनों आप लोग इंजन बे में काफी ज्यादा एम्प्टी स्पेस है देखने को मिलेगा बट एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे ऊपर की तरफ इंसुलेशन काफी ज्यादा प्रॉपर दे रखी है जिस वजह से इंजन नॉइस रिड्यूस होगी काफी हद तक चलिए चलते हैं इसके हेडलाइम्स की तरफ हेडलैम्स में अगर बताऊं तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है व्हाइट लाइट के साथ नीचे की तरफ आपको डीआरएस दिए गए हैं टर्न इंडिकेटर्स उसी के अंदर इंटीग्रेटेड है ऊपर एक जो ये क्रोम लाइनिंग है ये काफी अट्रैक्टिव बनाती है कार को नीचे आपको एलईडी फॉग फॉगलैम्प देखने को मिलेंगे मैट ब्लैक फिनिश है उसके अराउंड अगर मैं बात करूं इसके ग्रिल की तो आप देख सकते हैं फ्रंट ग्रिल जो है काफी बड़ी है क्रोम ट्रीटमेंट में दे रखी है बीच में एक सुजुकी का शाइनी लोगो है काफी अट्रैक्टिव लगती है क्रोम ट्रीटमेंट में फ्रंट ग्रिल और फ्रंट स्क्रिट प्लेट्स की बात करूं तो डुअल टोन में है, ब्लैक और सिल्वर कलर की जो कि काफी हद तक मस्कुलर लुक प्रोवाइड करती है गाड़ी को एसयूवी टाइप फील देती है देख सकते हैं आप लोग क्रोम लाइनिंग काफी अट्रैक्टिव लगती है ये ये चीज आप देख सकते हैं बॉडी क्लाइडिंग काफी प्रॉपर दे रखी है कैबिन में इसको काफी हद तक रिड्यूस करेगी ये चीज बात करें अगर इसके व्हील की तो यहाँ पर आपको एक सिक्सटीन इंच का अलॉय व्हील मिलता है जो कि डुअल टोन में है और अगर टायर साइज की बात करें तो टू वन फाइव बाई जो है टायर साइज रहने वाला है यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप लोग काफी, है है। काफी हद तक हेल्प करेंगे इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम है ये जो है ए पिलर आपको ब्लैक मिलता है यहाँ पर वाइपर्स देख सकते हैं आप लोग ट्रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं ऊपर की तरफ रूप में एंटीना मिलता है आपको रूफ रेल जो है यहाँ पर सिल्वर कलर में दे रखी है और रूफ रेल जो है वो भी गाड़ी के लुक को काफी हद तक एनहेंस करती है काफी स्ट्रांगली ये जो है यहाँ पर अटैच की गई है साइड लुक दिखा देता हूं मैं आपको साइड से आप लोग देख सकते हैं बॉडी क्लैडिंग ये देखिए कितनी प्रॉपर जो है यहाँ पर बॉडी क्लैडिंग मिलती है आपको इंजन नॉइस को और कैबिन नॉइज को काफी हद तक ये रिड्यूस कर देगी आपको कैबिन में बहुत ही कम नॉइस सुनने को मिलती है चलते हैं इसके रियर लुक की तरफ उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक क्वार्टर ग्लास दे रखा है, में के लिए. दे रखा है यहाँ पर. तो रियर में एलईडी टर्न इंडिकेटर मिलता है और एक रिवर्स लाइट मिलती है. जो है आप लोग देख सकते हैं एलईडी टेल लैम्प है काफी अच्छा इसका जो है आउटपुट है तब रात में जो है ये ग्लो जो है काफी अच्छा ग्लो करती है

लाइट दे रखी है कैबिन बूट में और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस दे रखी है दोनों साइड्स में एक कैरिंग हुक मिल जाता है यहाँ पर स्पेयर व्हील चेक करते हैं यहाँ पर इसका तो स्पेयर व्हील यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको फुल साइज का एक स्टील रिम मिल जाता है ये बात अच्छी है कि फुल साइज में अलॉय नहीं है हाँ कोई दिक्कत नहीं कहीं ना कहीं कोस्ट कटिंग तो थोड़ी बहुत करेंगे ही बट ऐसा कोई ज्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था यहां पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है रियर पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट आप लोग देख सकते हैं यहां पर रही है। रियर में रिफ्लेक्टर्स आप लोगों को दोनों साइड यहां पर गिवेन है फेक डिफ्यूजर टाइप ट्रीटमेंट देखने को मिलता है और पार्किंग सेंसर्स टोटल आपको चार पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं इसके अंदर ये रहे चारों के चारों पार्किंग सेंसर्स इसके ये टेल लैम्प की मैं जो बात कर रहा था देख सकते हैं आप लोग टेल यहां से स्टार्ट होके पूरा साइड तक जाते हैं काफी अट्रैक्टिव लगती है ये चीज देखने में हालांकि ये चीज ग्लो नहीं करती इसका ये वाला पार्ट बट इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये रहा यहाँ पर फ्यूल लिड रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते आते हैं डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी बॉडी क्लैडिंग काफी प्रॉपर है अब चलते हैं कार के इंटीरियर की तरफ इंटीरियर में जाने से पहले मैं आपको कार की की दिखा देता तो ये है इसकी की दो बटन मिलते हैं एक लॉक बटन बटन है बटन है है अनलॉक ऊपर सुजुकी का शाइनी लोगो है। और पीछे की तरफ एक स्विच दिया हुआ है जिसे आप जिससे आप इसकी की रिमूव कर सकते हैं जस्ट इन केस आपकी रिमोट की बैटरी डाउन हो जाती है तो आप की से कार को एक्सेस कर सकते हैं कार के अंदर जा सकते हैं तो चलिए करते हैं अनलॉक और चलते हैं इसके अंदर सबसे पहले बात करें ड्राइवर साइड डोर की तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है इंटीरियर में चले तो यहाँ पर डोर पर आपको देख सकते हैं लॉक अनलॉक बटन मिलता है चाइल्ड सेफ्टी लॉक है और पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं क्रोम डोर हैंडल मिलते हैं इंटीरियर में काफी अच्छी जो है यहाँ पर फिट एंड फिनिश है हार्ड टच मटेरियल यूज किया हुआ है सॉफ्ट टच मटेरियल बहुत कम यूज हुआ है नीचे डोर पॉकेट में आपको वन लीटर का बोतल होल्डर मिल जाता है और यहां पर आप ट्विटर की प्लेसमेंट देख सकते हैं ट्विटर यहां पर प्लेस है और नीचे की तरफ एक स्पीकर मिल जाता है आपको सिक्स इंच का स्पीकर मिलेगा इसके अंदर ड्राइवर साइड सीट ड्राइवर सीट की बात करूं तो यहां पर हाइट एडजस्टेबल आपको ड्राइवर सीट मिल जाती है सिक्स एडजस्टेबल है नीचे की तरफ यहां पर आपको एक डेड पैडल दिया हुआ है यहां पर लिवर गिवन है आपका बोनेट ओपन करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी हुई है और इंजन स्टॉप इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर आपको ओ कंट्रोल्स मिल जाते हैं लेफ्ट राइट करने के लिए और मिरर एडजस्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ओ आर वी एम के मतलब जितने भी सारे हैं आपको यहाँ पर गिवेन है और इसी के साइड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है एक तो अब चलते हैं कार के अंदर बैठते हैं बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में तो यहाँ पर आपको एक फुल्ली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है बीच में एक छोटी सी एम आई डीवेन है लेफ्ट साइड में जो है आपको टैकोमीटर मिलता है राइट right साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलता है एम आई डी जिसके बारे में बात कर रहा था डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर शो होंगी ऊपर की तरफ वार्निंग लाइट्स भी दी हुई है नीचे की तरफ आप देख सकते हैं एम आई डी में एवरेज डिस्टेंस एवरेज फ्यूल फ्यूल कंजप्शन सब कुछ इसके अंदर आपको दिखाता है ये इंजन टेम्परेचर भी यहीं पर आपको शो होगा और आपका फ्यूल मीटर भी इसी एम आई डी में है एसी करूं तो एसी के अराउंड आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है आते हैं स्टेयरिंग व्हील पर तो स्टेयरिंग व्हील यहां पर आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिलता है बीच में सुजुकी का शाइनी लोगो है एयर बैग की बैजिंग राइट साइड टॉगल्स की बात करूं तो यहां पर आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स गिवेन है एंड लेफ्ट साइड पर आपको वाइपर के right, बात करें, अगर कंट्रोल्स गिवन है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं में आपको और यहाँ पर नीचे आपको कॉल पिक ड्रॉप और वॉइस कमांड का ऑप्शन भी मिल जाता है स्टेयरिंग व्हील पर फिट एंड फिनिश की बात करूं तो आप लोग ये देख सकते हैं क्रोम लाइनिंग जो है स्टेयरिंग व्हील को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है और जो इसकी लेदर है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं क्रोम ट्रीटमेंट एसी वेंट्स के नीचे जस्ट और एसी वेंट पूरे सेंटर कंसोल के अराउंड आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी और बीच में एक काफी ह्यूज सिक्स इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिल जाती है जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स हैं व्हीकल सेटिंग्स हैं व्हीकल अलर्ट्स हैं सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं एफ एम ए एम डी एम बहुत से ऑप्शन मिलते हैं एंड्रॉयड Auto और एप्पल कार प्ले जैसे फीचर्स भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं नीचे ए सी की बात करूँ तो आपको एक फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ए सी मिल जाता है जिसके अंदर एक छोटी सी डिस्प्ले भी गिवेन है टेम्परेचर कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं लेफ्ट से और राइट से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉर्गर्स के स्विच है नीचे फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं ऑक्स और यूएसबी का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर आपको और ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है नीचे थोड़ी सी स्पेस गिवन है आपको फोन वगैरह रखने के लिए आते हैं अब इसके गेयर लीवर की तरफ तो गेयर लीवर आप लोग देख सकते हैं फाइव इसके अंदर गेयर है टोटल सिक्स है फाइव जो है ड्राइविंग गेयर है और सिक्स आपका रिवर गेयर रिवर्स गेयर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है कॉइन्स वगैरह रखने के लिए हैंड ब्रेक यहाँ पर है देख सकते हैं आप लोग हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट दो बोटल होल्डर्स भी गिवे है आप लोगों को यहाँ पर की बात करें तो आर्मरेस्ट जो है इसका स्लाइडिंग है देख सकते हैं आप लोग कुशनिंग काफी ज्यादा सॉफ्ट है अंदर की तरफ काफी डीप स्टोरेज भी दी हुई है काफी ज्यादा डीप स्टोरेज है ये सीट कंफर्ट की बात करूं तो यार सीट्स वगैरह जो है एस सच कोई ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है हार्ड टच मटेरियल आपको पूरा डैशबोर्ड पर देखने को मिलता है सॉफ्ट टच मटेरियल आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा इसका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको आई मिलता है ऑटो डिमिंग फीचर के साथ देख सकते हैं आप लोग ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहां पर आपको डुअल टाइप ऑफ स्टोरेज मिल जाती है देखने को एक ऊपर की तरफ है और नीचे यहां पर आपको ग्लव बॉक्स गिवन है कूल्ड ग्लव बॉक्स है इसके अंदर आपको जो मिलता है लाइट भी आपको इसके अंदर गिवेन है देख सकते हैं आप लाइट्स इसकी काफी ज़्यादा लाइट है इसके अंदर सीट कंफर्ट मैंने आपको बता ही दिया ड्राइविंग पोस्चर काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है सनवाइजर की बात करो तो ड्राइवर साइड सनवाइजर पर सिर्फ आपको टोल रिसिप्ट रखने के लिए एक जगह मिलती है पैसेंजर साइड सनवाइजर पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है यहां पर आपको एक सनग्लास होल्डर गिवेन है बीच में और यहां पर रीडिंग लैंप्स भी आपको यहीं पर मिल जाते हैं रीडिंग लैम्प आपको सेंटर में भी गिवेन है एलईडी रीडिंग लैम्प आपको इसके अंदर नहीं मिलते हेलोजन बल्ब मिलते हैं तो ये तो हो गई फ्रंट सीट्स चलते हैं इसके रियर सीट्स की तरफ तो रियर डोर में मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर क्या क्या है सबसे पहले क्रोम डोर हैंडल सेम वही सिल्वर और ब्लैक फिनिश पावर विंडो का स्विच नीचे लीटर का बोटल होल्डर और एक स्पीकर ट्विटर गिवन नहीं है ट्विटर आगे दो गेट आगे डोर में दो ट्विटर मिल जाते हैं बस आपको तो सीट्स में आप लोग देख सकते हैं लेग रूम काफी ज्यादा है मेरी हाइट सिक्स फीट थ्री इंचेज है फ्रंट सीट मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की है इनफैक्ट थोड़ी सी पीछे ही की हुई है क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए पीछे शिफ्ट की थी यहां पर आप लोग देख सकते हैं कैरिंग हुक मिल जाता है मैगजीन होल्डर आपको यहां पर गिवेन है रियर एसीवेंट्स आपको नहीं मिलते हैं इसके अंदर बीच में एक हम गिवेन है रियर में आपको आमरेस्ट मिल जाता है दो कप होल्डर्स के साथ रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं पार्शल ट्रे आप लोग देख सकते हैं काफी बड़ी पार्शल ट्रे है क्वालिटी भी इसकी काफी अच्छी है यहीं से अगर आप चाहते हैं बूट में एक्सेस करना तो यहीं से भी कर सकते हैं साइड्स में आपको कैरिंग हुक मिल जाते हैं ग्रैब हैंडल्स के साथ देख सकते हैं आप लोग ग्रैब हैंडल्स सॉफ्ट फोल्डिंग ग्रैब हैंडल्स है यहाँ पर फ्रंट में मैं दिखाना भूल गया था फ्रंट में भी आपको ग्रैब हैंडल मिलता है पैसेंजर साइड राइट right, यहाँ पर आपको एक क्वार्टर ग्लास भी मिलता है जो कि मैंने आपको बाहर से दिखाया था क्वार्टर ग्लास एज सच कोई इतनी ज्यादा ये इल्यूमिनेशन कर नहीं रहा है लाइटिंग कर नहीं रहा है अंदर बट हाँ देना पड़ता है क्योंकि एक्स्ट्रा सनलाइट की जरूरत होती है कभी कभी कैबिन में तो ये ग्लास काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है उस टाइम पर तो आप लोग देख सकते हैं रियर सीट्स से डैशबोर्ड हमारा कैसा लगता है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये डैशबोर्ड जो इसका सेंटर कंसोल है काफी ज्यादा अच्छा है रीडिंग लैम्प मैंने आपको दिखाई दिए थे यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स मिल जाती है और राइट स्टार्ट कर लेते हैं कार को और चलते हैं ड्राइव पर राइट नाउ आई एम ड्राइविंग द न्यू मारुति विटारा ब्रेजा इनिशियल पिकअप की बात करूँ तो इनिशियल पिकअप गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हैंडलिंग के बारे में अभी थोड़ा सा और मैं गाड़ी को चला लूँ फिर बताऊंगा लेकिन फिलहाल के लिए अगर अगनोमिक्स वाइज में यहाँ पर बात करूं तो एवरीथिंग इज इन द रीच एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है स्टेयरिंग पर ही मेरे को इसके ऑडियो सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं ब्राइटनेस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एस मेरे को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही दिन में भी देखने में काफी अच्छी ब्राइटनेस है जो की ब्राइटनेस एडजस्टेबल भी है क्योंकि रात में अगर ये चीज आपको डिस्टर्ब करेगी तो आप इसे कम भी कर सकते हैं डिम कर सकते हैं फिलहाल के लिए अगर स्टेयरिंग व्हील का रिस्पांस बताऊं तो स्टेयरिंग व्हील का रिस्पांस काफी ज्यादा प्यारा है बाकी यार गाड़ी मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी मतलब जितना मैं अब तक चला चुका हूँ मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लग रही है अगर मेरे को तो गाड़ी में कोई कमी दिखती है तो मैं आप लोगों को वीडियो में बताता रहूंगा फिलहाल के लिए मुझे एक दो इसके अंदर छोटी 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 मिस्टेक्स लगी मतलब कमियां दिखी हैं वो है इसकी एक तो वाइब्रेशन हैं गाड़ी में काफी ज्यादा मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि वो डिस्टर्ब करें बट हाँ काफी लगी मेरे को वाइब्रेशन जो है हालांकि स्टेयरिंग व्हील पर मेरे को वाइब्रेशन नहीं दिख रही जो मेरे को फुट पैग्स है वहां पर दिख रही है वाइब्रेशन मतलब क्लच लीवर हो गया इसका ब्रेक लीवर हो गया ब्रेक सॉरी क्लच पैडल हो गया ब्रेक पैडल हो गया वहां पर मेरे को इसकी वाइब्रेशन दिख रही है मतलब गाड़ी में अगर मैं बात करूं इसके सेंटर कंसोल की तो सेंटर कंसोल में भी सब कुछ काफी ज्यादा रीच में है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसके अंदर सिर्फ मेरे को एक कमी लग रही है जो इसका जो एसी कंसोल है ना वो यहाँ पर टच पैनल दिया हुआ है जो कि मैं मैनुअली प्रेफर करता हूँ मतलब नॉब्स को प्रेफर करता हूँ ये मेरी पर्सनल चॉइस है बाकी ब्लाइंड स्पॉट की बात करें तो गाड़ी में सिर्फ एक ही मिरर थोड़ा सा ब्लाइंड ब्लाइंड स्पॉट स्पॉट देगा बाकी ए पिलर है जो कुछ है पर, वरना वगैरह कोई नहीं है हालांकि मिरर भी जो है सिर्फ मेरी हाइट पर ही ब्लाइंड स्पॉट फील होगा मतलब लगभग सिक्स फीट थ्री इंच टॉल हो आप अगर मिनिमम तो जब आपको ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर मिरर का फील होगा वरना ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा

कहीं पर के गाड़ी लग तो नहीं रही है बड़े इजीली मैं गाड़ी मोड़ रहा हूँ आपने देखा भी मैंने ट्रैफिक में किस हिसाब से गाड़ी मोड़ी है तो अब हैंडलिंग की बात हो ही गई है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गाड़ी की हैंडलिंग काफी प्यारी है हाँ मतलब स्टेयरिंग का जो रिस्पॉन्स है जो एक्सलरेटर है रिस्पॉन्स कर रहा है जो इंजन रिस्पॉन्स आ रहा है सब चीज को मिला के ना काफी ज्यादा प्यारी हैंडलिंग हो जाती है यार इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही सिटी ट्रैफिक में चला रहा हूँ इस टाइम पर सिटिंग पोस्चर भी इतना प्यारा है कि लॉन्ग राइड्स पर भी मुझे कोई पेन नहीं फील होगा हालांकि जो सीट्स हैं थोड़ी सी टफ हैं तो फिर इन पर सीट कवर लगाना मैं प्रेफर करूँगा वरना बाकी हैंडलिंग में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में तो यार अगर यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो सबसे पहले एक काम करो कि सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और प्रेस करो बेल नोटिफिकेशन को इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना मत भूलना इंस्टाग्राम पर मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ आप मुझे वहां पर डीएम कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है सो ये था हमारा ब्रेज़ा का रिव्यू आप लोग हमें बताएं कि गाड़ी आपको कैसी लगी और ये वीडियो आपको कैसी लगी तो भाई फैला दो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो क्योंकि चैनल पर जल्दी ही कुछ नया होने वाला है और आप लोग जानना चाहते हैं कि नया क्या होने वाला है तो जुड़े रहिए मेरे साथ ये एक सरप्राइज होगा कि क्या होने वाला है